शायर, लेकिन आज एक चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बिहारी लाल अंबर साहब ने यहाँ के ये साबित कर दिया है कि सबसे बड़ी अगर ये कोई अलामत यहाँ बनी हुई है कौमी एकजहती की, तो इस मुशायरे से बनी हुई है। बिहारी लाल अंबर साहब आपको कह कहूँ मैं डूबे हुए थे दोस्तों। एक मरतबा इनका वाकया कि एक मरतबा एक लड़की एक कॉलेज जा रही थी, बिहारी लाल अंबर साहब उसका पीछा कर रहे थे। लड़की ने कहा मेरा पीछा मत करो, देखो तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, वो देखो तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। तो बहरहाल आइए, बहुत ही खूबसूरत महफिल और बहुत खूबसूरत शायर की तरफ मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सजाने वाले में इस महफिल को जनाब डॉक्टर शफीक खान साहब, अब्दुल कादिर भट्टा वाले जो बहुत ही अजीज यहां की एक शख्सियत है, इश्तियाक शाह साहब, आमिर अल्हाज साहब, कारी रहीमुद्दीन कासमी, वासिफ कासमी साहब, हनीफ हाशमी लखनवी साहब, जहीर हाशमी साहब, और इसी तरीके से हमारे आफाक हाशमी साहब, और तमाम नौजवान जो अदब के अलमबरदार हैं, मैं उनकी खिदमत में एक बार फिर अपनी अकीदत के सलाम अर्ज कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब एक ऐसी शायरा से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ कि वाकई अदब में भी एक मकाम है, एक बावकार शायरा है कि जिनकी तारीफ करना अकमल के बस की बात नहीं। अगर मैं तारीफ करूँ तो आप लोग यही कहेंगे कि अकमल सूरज को चराग दिखा रहा है, और जाहिर है सूरज को चराग दिखाना बेवकूफी है, और अगर गुलाब के अंदर इत्र लगाई जाए तो हिमाकत है। मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा सफ़े उवल की शायरात में एक नुमाया हैसियत की आमी है, जिनकी रवां और शगुफ्ता तहरीर तनकीद के खुश्क मजामीन में ऐसा रस भर देती हैं कि सुनने वाले पूरी हलावत महसूस करते हैं। आइए, मैं मोहतरमा से गुजारिश कर रहा हूं और ये कहता हूं कि यही माहौल देख करके ये कहा गया कि वहशत दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई, कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। मोहतरमा शाइस्ता सना माइक पर। सभी को अस्सलाम, मैं समझती हूँ मैं पहली बार आई हूँ महमूदाबाद, और वाकई आपने अतराफ में आती रहती हूँ, सुना होगा मुझे सैयद हाशमी साहब का हुक्म मेरी हाजिरी। मुबारकबाद पेश करती हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत मुशायरा सजाया है और बहुत अच्छा आप सुन भी रहे हैं। कोशिश करूँगी मैं भी कुछ पढ़ने की, और कमेटी के तमाम जिम्मेदारान जितने भी हैं सभी को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनकी दुआएं चाहती हूँ। और डाइस पर तशरीफ़ रखते सभी शोरा इकराम अल्ताफ़, मैं तवज्जो चाहती हूँ सभी की, मीसम साहब आपसे भी चार मिसरे हाजिर करती हूँ। ये अभी छोटी 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 बच्चियाँ आई, इन्होंने पढ़ा तो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, और माशाल्लाह जोश खरोश में दाद दे रही थी। तो यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ, चार मिसरे हाजिर करती हूँ। हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, मन चलों का भरोसा नहीं है, हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, मन चलों का भरोसा नहीं है, जाने किस खेत पर जाके बरसे, बादलों का भरोसा नहीं है, ये मोहब्बत का रुख मोड़ देंगे, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे, पागलों से न दिल को लगाना, पागलों का भरोसा नहीं है। क्या कहते हैं, मैं हाजिर करती हूँ, मैं पेश करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपसे सुना, और ये मेरी छोटी बहन आई उसने मुझे हार भी पहनाया, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उसका, और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। धीरे धीरे इंशाल्लाह वो भी एक दिन कामयाब होगी, अच्छी शादी बनेगी। पेश करती हूँ मैं बतौर खास।
हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, मंजिलों का भरोसा नहीं है, जाने किसे खेत पर जाके बरसे, बादलों का भरोसा नहीं है, ये मोहब्बत का रुख मोड़ देंगे, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे, पागलों से न दिल को लगाना, पागलों का भरोसा नहीं है, पागलों से न दिल को लगाना, शुक्रिया। और चार मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें जी सर। क्या हुआ? क्या है, क्या हुआ, क्या पढ़िया? उतना कोई बात नहीं, आप पढ़िए, सुनते हैं सब लोग बहुत मुफ्त से। मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा ये जो आवागमन है वो थोड़ा सा बंद कर दीजिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें जी। और ये फोटोग्राफिंग वगैरह सब थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए प्लीज, मैं गुजारिश करती हूँ। मैं हाजिर करती हूँ, देखिए मैं चार मिसरे और पढ़ती हूँ, देखिए। नादान है वो डरती हूँ, महताब समझता है जिस वक्त संवरती हूँ, महताब समझता है जिस वक्त संवरती हूँ, वो मेरी मोहब्बत में बदनाम न हो जाए, वो मेरी मोहब्बत में बदनाम न हो जाए, इस वास्ते खिड़की पर पाते हूँ डरती हूँ, आते हूँ डरती हूँ, इस वास्ते खिड़की पर आते हूँ डरती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक मतला और पढ़ती हूँ बतौर खास, देखें। जान के साथ नशा के मेरे कदम, जान के साथ नशा के मेरे कदम, राह में चलते चलते बहकने लगे, राह में चलते चलते बहकने लगे, उनके आने की जैसे ही आई खबर, उनके आने की जैसे ही आई खबर, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे। और एक मतलब पढ़ती हूँ बतौर खास, देखें। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, आईने से मैं नजरें चुराती रही, आईने से मैं नजरें चुराती रही, रात भर आपका नाम कागज पे मैं, रात भर आपका नाम कागज पे मैं, रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही और मिटाती रही। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, आईने से मैं नजरें चुराती रही, आईने से मैं नजरें चुराती रही, रात भर आपका नाम कागज पे मैं, रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही।
रही अल मिटाती रही। बहुत शुक्रिया। एक गजल का एक मतला दो शेर हाजिर करती हूँ आप सभी की खिदमत में, पेश करती हूँ बतौर खास। देखें, इजाजत है पेश करूँ मैं एक बार? मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मैं मुझे लगना चाहिए कि आप सुनना चाहते हैं। मैं पेश करती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ। आपके वास्ते आसमानों से मैं लो उतर आई अपना अपना लीजिए। आपके वास्ते आसमानों से मैं लो उतर आई अपना अपना लीजिए। आपके वास्ते आसमानों से मैं लो उतर आई अपना अपनी पलकों में मुझको छुपा लीजिए। आपके वास्ते आसमानों से। देखिए बहुत खामोश आप हो गए हैं, इजाजत हो तो एक गीत आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। जी जी, मैं पढ़ती हूँ, मुझे लग रहा था कि आप गीत सुनना चाह रहे हैं। मैं गीत पढ़ती हूँ, देखिए मैं हाजिर करती हूँ। मैं पेश करती हूँ गीत आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, मुकरा हाजिर करती हूँ। देखिए जब बाग में कोयल बोली तो, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। और बंद हाजिर करती हूँ, देखे जब तेज हुई दिल की धड़कन। बैठ जाइए आप। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब तेज हुई दिल की धड़कन सजने लगा ख्वाबों का आंगन। जब तेज हुई दिल की धड़कन सजने लगा ख्वाबों का आंगन। मैं भूल गई अपना तन मन, देखो तो जरा ये भोलापन। मैं भूल गई अपना तन मन, देखो तो जरा ये भोलापन। जब हाथों में कंगन खनके, जब हाथों में कंगन खनके, मेरे जीवन को खनका गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। और गीत का ये बन देखे, वो बसे थे मेरी सांसों में, बिखरी थी चमक आईनों में। वो बसे थे मेरी सांसों में, बिखरी थी चमक आईनों में। तस्वीर थी उनकी आंखों में, फैला था उजाला राहों में। तस्वीर थी उनकी आंखों में, फैला था उजाला राहों में। जब कदम उठाया चलने को, जब कदम उठाया चलने को, यूं लगा के वो टकरा गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए। और गीत का ये पन, उजड़ा हुआ हर का शाना था जो चेहरा था बे
उजड़ा हुआ है काशाना था, जो चेहरा था बेगाना था, बस्ती की जगह वीराना था, जो सोचा था अफसाना था, बस्ती की जगह वीराना था, जो सोचा था अफसाना था, जब होश आया तो कोई न था, जब होश आया तो कोई न था, यूं लगा के धोखा बोली तो मैं समझी साजन आ गए। और गीत का आखिरी पंक्ति, उसके बाद ज़हमत तमाम पेश करती हूँ बतौर खास। देखें, कुछ शाम हुई कुछ रात हुई, बेताबी मेरे साथ हुई, कुछ शाम हुई कुछ रात हुई, बेताबी मेरे साथ हुई, फिर प्यार भरी बरसात हुई, ये आंख मिली और बात हुई, फिर प्यार भरी बरसात हुई, ये आंख मिली यार बात हुई, जो कुछ भी उनके मन में था बिन बोले वो समझा गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए।